उज्जैन में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद यशवंत सागर का एक गेट खोला गया है, जिससे शिप्रा के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई और छोटे ब्रिज से 1.5 फीट ऊपर पानी बहने लगा। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुल से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में उज्जैन जिले में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे शिप्रा नदी उफान पर आ गई है। साथ ही कई छोटी नदियां व नाले भी लबालब हो गए हैं। आसपास के क्षेत्र में हुई बारिश के बाद यशवंत सागर का एक गेट 3 फीट खोल दिया गया है, जिससे अचानक शिप्रा के जल स्तर में बढ़ोतरी हो गई है। शिप्रा नदी के रामघाट पर कई मंदिर डूब गए, जबकि घाटों पर पानी और जलकुंभी जमा हो गई। यही नहीं, शिप्रा के छोटे पुल से 1.5 फीट ऊपर पानी बहने लगा, लेकिन रास्ता बंद हो जाने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल से गुजर रहे हैं। लेकिन ना तो प्रशासन ने कोई होमगार्ड सैनिक तैनात किया है और ना ही वाहन चालकों को रोका जा रहा है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बन रही है। दिन से लगातार बारिश हो रही है, सारे घाट और सारे जो जितने भी मंदिर हैं सब जलमग्न हो गए हैं। यहाँ छोटे मोटे पानी पड़ चुका है, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। खुद वो ध्यान दे नहीं रहा है, ना तो बैरिकेड्स लगे हैं, ना कोई पुलिस प्रशासन आया हुआ है। जनता आ जा रही है, गाड़ियाँ आ जा रही है, कोई गाँव में भेज जाए, कोई हादसा हो जाए, किस प्रकार किसी का ध्यान ही नहीं, लगातार बढ़ता जा रहा है। क्रियाक्रम में किस तरह की समस्या आ रही है? क्रियाक्रम में पंडित पुजारी जी पूजा कर नहीं पा रहे हैं, जिसको भी यजमान आ रहा है उनको बाहर उधर घाट पे बिठा के दूसरी जगह पूजा करनी पड़ रही है। दिक्कत आ रही है, हमारा घाट पे पानी भरा हुआ है, जल भराव पड़ा हुआ है, जलकुंभी पड़ी बहुत सारी, वहाँ पे सफाई नहीं हो रही जलकुंभी की, घाटों पर कीचड़ पड़ा हुआ है, साफ करने वाला कोई नहीं है।